हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, जय श्री राम आप सभी लोगों को। अभी मैं और राहुल दोनों कोई आए हैं इधर घूमने के लिए, थोड़ा जंगल साइड बाल कटवाने के लिए। ट्रिमर रखे हैं, लेकिन एक कांड हो गया इधर, भैंस लोग लड़ाई कर रहे हैं बहुत खतरनाक वाला, तो उनको ना उन लोग रोक रहे हैं इतना टाइम से। इधर इधर देखिए ना दोस्तों, आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, ये थोड़ा रोक रहे हैं वो ना हेमचंद है, वो जो ला रहा है दौड़ा के, वही भैंस ना बहुत तगड़ा लड़ाई कर रहा है। बाकी इधर देख सकते हो भैया लोग भी टेस्ट मतलब रोकने की कोशिश करते हैं बहुत। यार क्या करोगे, होता है। तो अभी जाएंगे, राहुल ट्रिम करवाएगा अपने बाल को, देख सकते हो हेयर कट करवाएगा। तो अभी वही आएगा हेमचंद जो काटेगा ना, हाँ, तो उसका सीन थोड़ा दिखाएंगे आपको भी। और आज तो आप लोगों को पता ही है 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा है श्री राम जी का, तो आपको फिर से एक बार जय श्री राम। तो दोस्तों, हम लोग वापस जा रहे हैं अभी खेत साइड हेमचंद लोगों के, और हम लोग इधर देखने के लिए आए थे कुश्ती, बट नहीं देख पाए। इधर देख सकते हो हेमचंद फिर से अपने भैंस लोगों को संभाल रहा है। ये देखो, ये देखो, बहुत खतरनाक है भैया, मैंने भी देखा इसका मुड़भेड़ ही बोलो। तो चलो खेत साइड जाएंगे, उधर दिख रहा टुकड़ा। तो गाइस, बेर खा लेते हैं यार। वैसे ही आप लोगों को पता ही होगा, माता सबरी ने श्री राम जी को वनवास में, जब थे वनवास में, तो माता सबरी ने श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को बेर खिलाए थे। आज मेरे को राहुल खिला रहा है, झड़ा रहा है इधर से, तो खा रहे हैं यार। ठीक है, आप लोग भी खाइए बेर। तो गाइस, हम लोग आ गए इधर, देख सकते हो ये हेमचंद भाई लोगों का लाड़ी है, मतलब ऐसी सीट वाला बनाए हैं। और इधर देख सकते हो भाई लोग लगाए हैं धान और मक्का, इधर इधर मक्का लगाए हैं। और धान का वैज्ञानिक नाम है ओरेजा सटाइवा और मक्का का वैज्ञानिक नाम है जाइमेज। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो आप इंटरनेट में सर्च करके देख लीजिए, मैंने पढ़ा था 12वीं क्लास में, मेरे को याद है, तो मैं आपको बता दिया, अच्छा समझा, जय श्री राम। तो अभी हेमचंद भाई आ रहे हैं, अभी नोवा से ट्रिमर करेंगे, बाल काटेंगे। ठीक, तो फाइनल गाइस, इधर राहुल भाई का हेयर कटिंग हो गया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। ये देख सकते हो कुछ ऐसे पकड़ के लेके जा रहा है इसको, इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए मतलब अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ भरना है। हाँ ठीक है, तो देखो चलो पल्सर से जाएंगे, इधर पल्सर है, ये देखियो, चलो 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 चलो। तो गाइस, मैं अभी विश्रामपुरी आया था कुछ काम से, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सभी साइड पूरा भगवा रंग से सजा है, जय श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहे हैं यहाँ पर। ये देख सकते हो दोस्तों, पूरा सभी साइड पूरा दुकान बहुत लोग बंद किए हैं, बहुत लोग चला रहे हैं, अभी ये देख सकते हो पूरा पूरा सभी साइड भगवा रंग ध्वज लहरा रहा है। तो बोलो एक बार जय श्री राम। तो गाइस, अभी मौसम खराब हो गया है, जस्ट मैं विश्रामपुरी से घर पहुंच रहा हूं, और देख सकते हो पूरा काले काले बादल, घने घने बादल, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, देख सकते हो गाड़ी में भी हो गया है। मैं पहुंच गया घर जस्ट अभी, और क्या है कि सही में माए अब फाइनली राम आ गए, क्योंकि इसका मतलब आप समझ जाओ कि मौसम भी श्री राम जी का स्वागत कर रहा है, तो ये अच्छा है, अच्छा है। तो चलो कुछ सामान लिए, उसको अंदर डाल देते हैं यार, ये जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या करेगा, ये है सर 5 किलो, 420 रुपये पड़ा है, ये भी अच्छा है, अच्छा है। तो गाइस, बात एक ये है कि आज तो आप लोगों को पता है 22 जनवरी को क्या हुआ, सोमवार दिन हुआ, और हमारे श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जो कि अयोध्या फिर से आया। तो हमने भी बड़े दिवाली मनाया, दीपक जलाए और हमने थोड़ा सा पटाखे फोड़े। तो अभी मैं इधर जा रहा हूँ, तो इधर थोड़ा सा रामायण होगा, मतलब भजन कीर्तन करेंगे, वाइब्स थोड़ा सा नाइट वाइब्स के साथ। तो दोस्तों, एक बात बता रहा हूँ आपको कि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, ठीक है, कर्मा लौट कर आता है, जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल आपको तुरंत मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा, अगला जन्म वाला उसको भूल जाओ, अगले जन्म में इस जन्म का पाप अगले जन्म में हमें फल मिलेगा, ये सब चीज मत सोचना, ठीक है दोस्तों। कर्मा लौट कर आता है, इसी जन्म में आएगा, इसी जन्म में भुगतेंगे, जो भी हमने कर्म किया है वो तुरंत हमें वापस मिलता है दोस्तों, लेकिन हमको नहीं पता होता है कि हमने किसी के साथ ऐसा बुरा। दोस्तों, वो पास मैंने बताया कि मैं लास्ट में ना बता रहा था, मैं वो पास गड्ढा में गिरने वाला था, इसलिए ब्लॉक कट गया। तो दोस्तों बताया नहीं, कर्मा लौट के आता है, इसी जन्म में आएगा, किसी जन्म में, अगला जन्म वगैरह नहीं होता। हाँ, तो चलो इस बात को छोड़ो, हम जा रहे हैं इधर, हो रहा है रामायण प्रतियोगिता, नहीं यार बस ऐसी रामायण पढ़ें, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो 10 मिनट बैठेंगे, थोड़ा सा वाइब्स लेंगे, राम जी को याद करेंगे। वैसे आज पता ही आप लोगों को, तो मैंने फटाका फोड़ दिया, अभी फिर फोड़ेंगे ना, दिलीप भाई के पास बचाए हूँ 5 बम ब्लास्ट करेंगे, ठीक है।
मतलब खुशी मनाएंगे यार, दिवाली मनाएंगे फिर से, हमारे घर में दीपक जलाए थे। तो चलो चलते हैं यार, आज के इस ब्लॉग को एंड करते हैं। मजा आया तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय श्री राम, जय हिंद।